यानी जब तक ये माइनिंग चलती रहेगी तब तक हमको 0.5 कॉइन पर आवर मिलता ही रहेगा, ये कम नहीं होगा जैसे पाई नेटवर्क बी नेटवर्क में होता है। और यहाँ पर ये रेफरल का रेट भी हमारा बढ़ता रहेगा और लूट बॉक्स में से जो मिलता है वो भी 24 आवर्स तक हमको मिलता रहेगा। तो ये भी एक लेजिट और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि इसमें लिमिटेड कॉइन है और लिमिटेड कॉइन होंगे तो इसकी प्राइस भी बहुत ही हाई जाने का फुल चांस है। जिस तरीके से वाईफाई की प्राइस आसमानों को छू रही है उसकी प्राइस बिटकॉइन से भी ज़्यादा है। सो ये लिमिटेड कॉइन को माइन करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि अभी भी 40 करोड़ जितने कॉइन बाकी है। सो अच्छी खासी माइनिंग कर लीजिए और अच्छा खासा यहाँ से अमाउंट जनरेट करके रख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो न्यूज। सो गाइज, आज हम एक और एप्लीकेशन जो माइनिंग करके हमको कॉइन दे रही है उसके बारे में बात कर लेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बेल आइकन आएगा उसको भी ऑल पर सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि मैं इस चैनल पर रोजाना आपके लिए नई नई माइनिंग और अर्निंग की वेबसाइट और एप्लीकेशन लाता रहता हूँ, नए नए एयरड्रॉप्स भी लाता रहता हूँ और क्रिप्टो करेंसी में जो कोई भी अपडेट आती रहती है वो भी आप तक पहुँचाता रहता हूँ। सो आज की एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अल्फा नेटवर्क की एप्लीकेशन है। सो इसमें आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ी अपडेट है क्योंकि अब सिर्फ इसमें 40 करोड़ कॉइन ही बाकी रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से देख सकते हो 410946, यानी यहाँ पर टोटल 50 करोड़ कॉइन माइन होने थे, यहाँ पर अभी 41 करोड़ कॉइन ही बाकी है। ये 1 करोड़ तो एक दो दिन में हो ही जाएंगे, बस यही मान के चलो कि यहाँ पर सिर्फ 40 करोड़ कॉइन ही बाकी है। तो इसकी टोटल सप्लाई 50 करोड़ है, उसमें से 10 करोड़ कॉइन बस माइन हो ही गए, बस यही समझ के रखो। और अभी सिर्फ 40 करोड़ ही बाकी है, वो भी फटाफट से हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 घंटे 45 मिनट्स, तो जैसे हम पाई नेटवर्क और बी नेटवर्क में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जब भी 24 घंटे ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी माइनिंग बंद हो जाएगी। जैसे ये येलो वाला सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी माइनिंग बंद हो जाएगी। तो फिर जैसे पाई नेटवर्क बी नेटवर्क में करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आकर हमको एक क्लिक करनी होगी तो हमारा माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस एप्लीकेशन में मेन बात और मेन बेनिफिट जो है वो मैं आपको बतला देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने नई जो अपडेट लाई है ये ओपन लूट बॉक्स वाली अपडेट है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये ओपन लूट बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.05 का रेट मिलता है। और फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक और पॉपअप आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम इनटू ट्री। और मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करूँगा तो एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट चलेगी और 3 गुना मुझे मिल जाएगा, यानी 0.05 है उसका 0.15 बेज रेट मेरा बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट चली और यहाँ पर मेरा 0.15 का रेट हो गया, यानी 3 गुना ज़्यादा रेट हमको मिलता है। और ये लूट बॉक्स है तो ये लूट बॉक्स हमको हर आधे घंटे के बाद मिलता रहेगा। यहाँ पर आप इसका टाइम भी देख सकते हो, 29 मिनट हो चुका, यानी हर 30 मिनट के बाद हमको यहाँ से लूट बॉक्स मिलता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 1.15 पर आर हो गया मेरा। सो यहाँ से हमको अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनिंग का रेट बिल्कुल ही फास्ट हो जाता है। तो हमको 0.5 का बेज रेट बिल्कुल ही फ्री में हमको मिलता है यहाँ पर, यानी आधा कॉइन हर घंटे मिलता रहेगा। और एक मेन बेनिफिट ये है कि ये रेट कम नहीं होगा, यानी ईगल नेटवर्क बी नेटवर्क पाई नेटवर्क में जैसे ये रेट कम होता था तो यहाँ पर इन्होंने रेट को फिक्स रखा है, ये कम नहीं होगा, 0.5 का रेट ही रहेगा। और यहाँ पर जैसे जैसे आप रेफरल बनाओगे, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो सो जैसे ही एक रेफरल हमारा एक्टिव बढ़ेगा तो जब तक वो एक्टिव रहेगा तब तक हमको 0.1 पर आर की स्पीड से कॉइन माइन होते रहेंगे, यानी यहाँ पर हमारी 0.1 की स्पीड बढ़ जाएगी। और यहाँ पर लूट बॉक्स में से भी जो मिलेगा वो भी हमको यहाँ पर ऐड होता रहेगा। तो लूट बॉक्स में से हमको 0.05 जैसे अभी आपने देखा, फिर उसका 3 गुना भी मिलता है एक एडवर्टाइजमेंट देकर, और 0.1 भी मिलता है और 0.15 भी मिलता है, यानी उसका 3 गुना करोगे तो 0.45 यानी 45 मिलेगा। सो ये स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ से आप लगातार उठाते रहोगे सो 2.5 कॉइन से लेकर 3 कॉइन पर आर की स्पीड भी आपको यहाँ से मिल जाएगी।
तो ये भी अच्छी खासी स्पीड है। और यहाँ पर आप मेरा बैलेंस भी देख सकते हो, 5000 से ज़्यादा हो चुका है। तो ये बहुत ही फास्ट स्पीड कही जा सकती है, क्योंकि इससे बहुत ही फास्ट अर्निंग हो रही है। और इसका वाइट पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको कहा, तो ये हमारा वाइट पेपर है और यहाँ पर आप देख सकते हो बेज रेट, द बेसिक रिवार्ड ऑफ एनफोर्सिंग द ट्रस्ट ऑफ द अल्फा नेटवर्क थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइनिंग अल्फा कॉइन, इट इज 0.5 पर आवर एंड एवरी प्लेयर ऑब्टेन इट परमानेंटली अंटिल द अल्फा कॉइन पूल ड्रेन्स बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट। यानी जब तक ये माइनिंग चलती रहेगी तब तक हमको 0.5 कॉइन पर आवर मिलता ही रहेगा, ये कम नहीं होगा जैसे पाई नेटवर्क बी नेटवर्क में होता है। यहाँ पर ये रेफरल का रेट भी हमारा बढ़ता रहेगा और लूट बॉक्स में से जो मिलता है वो भी 24 आवर्स तक हमको मिलता रहेगा। एंड जैसे ही हमारा माइनिंग 24 आवर्स का खत्म होगा उसके बाद फिर से लूट बॉक्स में से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये रेफरल से भी हमको अच्छी खासी अर्निंग दे रहा है और लूट बॉक्स से भी हमको अच्छी खासी अर्निंग दे रहा है। और लूट बॉक्स में से हमको 1, 2 और 3 कॉइन भी मिल सकते हैं, इसको हम 3 गुना भी कर सकते हैं एक एडवर्टाइजमेंट देखकर। तो ये इसका पूरा वाइट पेपर है, आपको अगर वाइट पेपर पढ़ना हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ पर इन्होंने ये सब पूरा वाइट पेपर दे दिया है, तो मैंने इसको पढ़ लिया है और मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये भी सेम टू सेम पाई नेटवर्क के कॉन्सेप्ट की तरह ही है। कि जिस तरीके से ये लोग हमको अपॉर्चुनिटी माइनिंग करने की दे रहे हैं, और जो भी आधे घंटे के बाद हम ये जो एडवर्टाइजमेंट चलती है जिसको हम 3 गुना कर सकते हैं हमारे बेज रेट को, और कॉइन को भी जो लूट बॉक्स हमको मिलता है उस एडवर्टाइजमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू से ये लोग नोड को रन करेंगे। यानी जैसे पाई नेटवर्क में हम नोड को रन करते हैं, इसी तरीके से ये लोग भी नोड को रन करेंगे और अपने सर्वर को मेंटेनेंस कॉस्ट भी निकालेंगे। तो ये भी एक लेजिट और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें लिमिटेड कॉइन है और लिमिटेड कॉइन होंगे तो इसकी प्राइस भी बहुत ही हाई जाने का फुल चांस है। जिस तरीके से वाईफाई की प्राइस आसमानों को छू रही है, उसकी प्राइस बिटकॉइन से भी ज़्यादा है। सो ये लिमिटेड कॉइन को माइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अभी भी 40 करोड़ जितने कॉइन बाकी है। सो अच्छी खासी माइनिंग कर लीजिए और अच्छा खासा यहाँ से अमाउंट जनरेट करके रख लीजिए, और ये जब कभी भी लॉन्च होगा तब हमको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देकर जाएगा। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना।